प्रोजेक्ट भारत प्रेजेंट्स एमबी वैली सिटी लव ऑफ लाइफ। एमबी वैली सिटी एक लग्जरी और एकीकृत टाउनशिप है जो महाराष्ट्र में लोनावला के पास स्थित है, जो कि पुणे से लगभग 84 किलोमीटर और मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी में है। यह 10,000 एकड़ के आसपास विस्तारित है और यह सुंदर सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसा है। यह शहर अपने सुशोभित अभिकल्पना, विश्व स्तरीय सुविधाओं और दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकास सहारा इंडिया परिवार ने किया था। एमबी वैली सिटी को सही शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है, और इसलिए आइए इसे खुद देखते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। दिन के 12 बज चुके हैं। हमने एमबी वैली के मेन गेट से एंट्री ले चुकी है। पीछे है रिसेप्शन। अंदर चल के हम देखते हैं कि आज के आइटनरी में क्या क्या है और हम क्या क्या विजिट करेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड। रिसेप्शन एरिया, हम अंदर चलते हैं और लेते हैं आज की आइटनरी एंड देन विल डिस्कस। सो दिस इज अ मैप ऑफ एमबी वैली। हम जो खड़े हैं वो है ये एरिया विच इज अ रिसेप्शन एरिया। ओके, दिस इज द ट्विन गेट जहाँ से हमने एंट्री लिया और हम खड़े हैं इस एरिया में जो कि है एफ सेक्शन। नाउ अभी हमारे पास दो रूट्स है, एक या तो हम टी के तरफ डायरेक्शन में जाके जहाँ पे हमारा बनारसी घाट, यहाँ पे एक टपरी है जो कि एक नॉर्मल स्नैक्स का सेंटर है और एक नॉर्मल लेक व्यू है। सेकेंड रूट इज दिस वन जो कि काली माता टेम्पल की तरफ जाता है, जहाँ पे हमें बीच में गोल्फ कोर्स भी मिलेगा एंड एक टाउन प्लाजा भी मिलेगा। और यहाँ से एक वाटर स्पोर्ट्स का पॉइंट है जहाँ से एक बेसिकली वाटर राइड होती है जो कि एक प्राइवेट आइसलैंड में लेके जाती है, वेयर वी कैन सी अमेजिंग वाटरफॉल। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू काली माता का पॉइंट एंड देन विल अगेन मूव बैक टू वाटर स्पोर्ट एरिया। देन मे बी विल ट्राई that water safari for that waterfall and then we'll go for Banaras Ghat and the Tapri and then let's see aage hame kya kya milta hai। और ये है एक बेहद खूबसूरत भारत माता का मंदिर जो कि मेन एंट्री से 100 मीटर्स और रिसेप्शन से ऑलमोस्ट 100 मीटर्स, सो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मेन गेट एंड द रिसेप्शन एरिया। सो लेट्स गो टुवर्ड्स काली माता टेंपल। तो चलिए बात करते हैं एमबी वैली से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। तो ये एक 10,600 एकड़ में फैली बड़ी प्लांट सिटी है जिसमें 91% भूमि का क्षेत्रफल हमेशा खुला रहेगा। ये एक सेल्फ सस्टेन शहर है जो सर्वोत्तम सुविधा सूचकांक प्रदान करता है। 25 किलोमीटर का किनारा, शहर में 3 मैनमेड झीलें और 11 वाटर बॉडीज। यह भारत के पहले पूर्णतः संचालित निजी कोर 2C प्रमाणित हवाई अड्डा एंड इंटरनेशनल स्कूल आम्बे एंड हॉस्पिटल्स। और ये है आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन टाउन प्लाजा। रिसेप्शन से काली माता मंदिर की तरफ बढ़ते वक्त जो पहला लोकेशन आता है वो है टाउन प्लाजा।
इसका एंट्री काफ़ी ग्रैंड है और जैसा कि आप देख सकते हैं इट हैव अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस। टाउन प्लाजा में एंटर होते मिलेगा आपको एक ग्रैंड ओपन स्पेस और यहाँ पे है ऑलमोस्ट 2 से 3 रेस्टोरेंट, बास्किन रॉबिन, आइसक्रीम पार्लर, 3D गेमिंग जोन और एक मिनी सुपरमार्ट। और ये है ग्लोबल चेस का रेस्टोरेंट जहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट देसी वाइब। यहाँ के इंटीरियर में रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है जहाँ पे खाट, स्कूटर, ऑटो और बैलगाड़ी। यह भारत का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स है जो प्रोफेशनल गोल्फर्स और प्रशिक्षु गोल्फर्स में बहुत प्रसिद्ध है। इस कोर्स की खूबसूरती और विश्व स्तरीय सुविधाएं इसे एक सपने की तरह बना देती है। यहाँ के गोल्फ कोर्स का विस्तार लगभग 256 एकड़ है और इसमें 18 होल फ्लड लाइट चैंपियनशिप गोल्फ बनाया गया है। यहाँ के हर एक होल पर आपको विशाल खेत, साहसिक जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलेगा। एमबी वैली गोल्फ कोर्स को ब्रिटिश पीजीए द्वारा मान्यता प्राप्त है और यहाँ प्रतियोगिता प्रमुख गोल्फ इवेंट आयोजित किए जाते हैं। गोल्फर्स के लिए यह एक आकर्षक स्थान है जहाँ वे अपनी क्षमता को सुधार सकते हैं और इस खेल का आनंद ले सकते हैं। और हम आ चुके हैं काली माता टेम्पल में। मंदिर प्रांगण काफ़ी खूबसूरत है और शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यहाँ पे मेन टेम्पल जो है वो काली माता का है जिसके आसपास छोटे छोटे और भी सुंदर मंदिर हैं जैसे भगवान श्री हनुमान, माता दुर्गा, श्री राम सीता और श्री शंभू शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ है स्पाइन सैलून और एक अमेजिंग व्यू वाटर फ्रंट का जिसके आगे है लश ग्रीन माउंटेन्स। और ये है एक स्मॉल स्नैक सेंटर जिसका नाम है टपरी जहाँ पे आप इस बारिश में स्नैक्स का लुत्फ उठा सकते हैं।
जायंट स्विंग्स एमबी वैली का एक मेजर अट्रैक्शन है। काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक एरिया है जहाँ पे आके आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं और इस बड़े से झूले का आनंद उठा सकते हैं। और ये है वो लेक साइड एरिया जहाँ पे होते हैं वाटर स्पोर्ट्स और नीचे है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो इस ब्यूटीफुल डे को और भी ब्यूटीफुल बना देंगे। और ये है हमारा आज का नाइट स्टे। लेट मी गिव यू अ टूर। जनरली एमबी वैली इज़ अ वन डे टूर जहाँ पे लोग सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, पर अगर आप रात को वहाँ स्टे करते हैं तो मेक श्योर कि आप रात की लाइटिंग्स और रात के नज़ारों को देखना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जय मां भारती प्रोजेक्ट भारत।